गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। नितिन के साथ शुरुआत के साथ और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम हो रहा होगा 10 बज रहे होंगे, 10:30 हो रहे होंगे, ऐसे हो रहा होगा। तो अभी मैं आपको तैयार व्यार हुए हुए दिख रही होंगी। तो आज मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, थोड़ा सा उसका सामान भी लेके आना और थोड़ा सा मैंने कहा चल ध्रुवी भी घुमाएगा इस चक्कर में, वो घर घर पे रहते हैं उसको हमेशा, तो आज उसको भी घुमा ले आऊँगी। बाहर मौसम बहुत अच्छा और उसके लायक, मतलब धूप और की अच्छी खासी। और भाई साहब मैं कह रही 10:30 हो रहा है, 11 बज गए। तो अभी ध्रुवी को तैयार व्यार करके मैं तैयार हो गई हूँ, बस उसकी मम्मी का वेट कर रहे थे, मेरी फ्रेंड की मम्मी का वेट कर रहे थे। तो आंटी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं फटाफट ध्रुवी की अनार छील लेती हूँ और मैं अनार इसमें डाल के देती हूँ ध्रुवी को, ताकि अच्छे से उसका रस वगैरह अच्छे से छिल जाए उसके मुँह में और गले में बिना, मतलब गले में बिना अट गए। तो अगर आपको ध्रुवी का भी पूरा रूटीन का वो देखना होगा, ब्लॉग देखना होगा, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दिखा दूँगी वो भी। ठीक है, हम निकल रहे हैं घर से और पहले हमेशा के घर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम सामान लेने। तो पहले मैं सोच रहे थे प्लान ऐसा कुछ था कि ध्रुवी को भी लेके जाते हैं, लेकिन अब वो सोने जैसा हो गया उसका, तो मम्मी कह रही है सो जाएगा, फिर इसको सोते हुए कहाँ फिरेगी। अभी वो सवेरे उठ जाता है 4 बजे, आपको पता है 4-5 बजे, तो वो अभी फिर आराम से सोएगा 3 बजे तक आराम से दूध वगैरह पी के। तो फिर हम चलते हैं और 3-4 बजे तक तो मैं भी आ ही जाऊँगी। चल हेलो कर दे। मुझे इतनी ठंड लग रही, गर्मी लग रही है और इसको ठंड लग रही है। आपको जैकेट तक इतनी धूप में भी हम एसी में जाएंगे। इसको इसको वायरस फैल गया इसके अंदर, इसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हम कह रहे हैं आंटी के घर जा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे हम मॉल। हम पहले क्या कह रहे हैं, हम पहले आंटी की गालियां सुनेंगे फिर हमारी। तुझे खुद ही समझ नहीं आया तूने क्या बोला। मैं आ गई हूँ ईशा के घर पे और अभी हमारा प्लान बन रहा है जाने का, पता नहीं कब तक बनेगा। कब तक जाएंगे मैम? ईशा मेरे लिए कुछ लेके आई गई, जहाँ देखो लड़के लिपस्टिक अच्छे लग रहे हैं, जो भी देगी मुझे बस मैं घर जाके दिखा दूंगी। ठीक है, बताना कौन है क्या? ये क्या है? रबड़। रबड़ है। ये सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ प्यारे लग रहा। ओ भाई साहब बैग में सारा भरा हो इसके। देखो वो जुखाव लगा था तो मैम के घर गई थी, मैं कहा मैं नायरा के पास ही जाऊंगी तब तक। अच्छा ये क्या लग रहा है? ये वो है ना कोरियन, बोलते हैं कोरियन कलेक्शन। हाँ। क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, कोरियन बंदा चाहिए यार कोई ढूंढवा दे। मैं बात सुन, ये वो है क्या बोलते हैं लोग ऐसे करके बनाते हैं जो बाल ऐसे करके, एक मिनट गिरना चाहिए ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके मोड़ के लगाते हैं कलेक्शन ना, और हमें ऐसे बाल बनाने आते ही नहीं है। अब तो ईशा के बाल बड़े हो गए यार बहुत ज्यादा। देखो देखे मेरे को जलन हो रही है, इसके बाल मेरे बाल इससे बड़े थे पहले, इतने ही होंगे ना ईशा हमारे बाल बराबर है पीछे मुड़। अब तो तेरे लंबे हो गए, बल्कि मेरे लंबे नहीं होंगे तेरे से, तेरे मोटे है मेरे लंबे थे तेरे से, है ना। और मैंने काट दिए पहले मेरे छोटे थे क्योंकि मैंने कटिंग करवाई। हाँ और अब मेरे बालों का हाल उसके बालों जैसे जैसे पहले वो रखती थी, और उसके बालों जेलेसी होती, और उसके बालों का हाल मेरे बालों जैसे जैसे पहले नहीं, मेरा नहीं है। मेरे नाखून और बाल ऐसे बढ़ते हैं क्या बोले, अब पता नहीं खाना सारा उन्हीं पे लगता है, नाखून और बालों पे, ऐसा हो सकता है शायद। ना ना कितना प्यारा डब्बा रखा है ईशा ने, ये बहुत प्यारा है। मेरे पास बैग में और भी पड़ा हुआ, चाहिए ये रख लो। ये कितना क्यूट है, ब्लॉग बना रही मैं, ये हमारी क्यूट है। ये देखो भाई कितना सारा कुछ रखा है इसने ना, तो मैं गैप कर रही थी सारा कुछ है, तो अब इसका सारा पड़ रहा था ऐसे, पहले गुम हो जाता था सारा, मेरे पास आ जाता था सारा का सारा, रख ली। ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो मैं ही रख रही हूँ, तुम मत बोल ऐसे मैं रखी लूंगी। कितनी बेच रहा मैं शादी के बाद भी नहीं सुधरूंगी मैं तो। नहीं नहीं यार ऐसे नहीं, ब्लॉग नहीं देना यार, बन दियो यार। मैंने लिपस्टिक चेंज कर दी, देखो आपने देखा ईशा ने कहा मेरे को करने को, इसलिए मैंने कर दी। अच्छी लग रही ना ये वाली, ईशू मेरे को कह रही है कहते तो बिना मेकअप के सिर्फ लिपस्टिक में अच्छी लगती है, और मैं अपने आप को उसी से दोबारा देखने गई फिर। आंटी उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, आंटी कह रही थी मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, ईशा की मम्मी पता नहीं कब से लगी हुई है, अभी तक आई नहीं आंटी, वो बहुत गुस्सा आ रहा है, 3 बजने को हो गए यहीं पे। तेरी मम्मी तो धोखा देगी, तेरी मम्मी ने बोला अभी आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, मैं भी धोखा ही दूंगी तुझे, टेंशन ना ले। जिंदगी में धोखे ही धोखे खाए, एक और दे दे कोई बात। आगे धोखेबाज लो, नमस्ते भैया।
नमस्ते नमस्ते। भाई साहब देखो कौन आया कौन आया कौन आया नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? को रास्ते में छोड़ के आ रहे हैं कहते कोई हाथ लगाते आएगा। ठीक है पापा, ठीक है ठीक है। वो भी उसको हम घर पे छोड़ा है यार। बहुत ज्यादा टेस्टी है सच में, बहुत अच्छा है। बस घर पे नहीं बनाया मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैंने बनाया। आपने बनाया? बहुत अच्छा, बहुत मस्त हो रहा है। बोलो बोलो क्या बोलो। रोटी खाएगी? नहीं मैं नहीं खाऊंगी ना। आप भी खाओ। ये देखिए मेरे लिए अलग है। ठीक है ये YouTube पे पड़ेगी। ये साक्षी खुश हो जाएगी अपने आप को देखे है ना। ऐसे हंसी जैसे दांत ऐसे करके ही करे। ठीक है दिखा दो एक बार, एक बार दिखाना दांत। दिखाओ दिखाओ एक बार, वो हिला के दिखाओ ना हिला के। दिखाओ हिला के। मार खाएगी? नहीं ये खा रही मैं, गाजर हलवा खा रही मैं। दिखाओ टैलेंट दिखाओ अपना सबको। चलो पहले खाना खा लो क्या पता इसी में टूट जाए वो। खा लो आराम से। हम डीमार्ट आ गए और सामान ले रहे हैं। अभी हम बिजी हैं ठीक है, और जब सामान ले लेंगे तब दिखाएंगे आपको। पहले हमारा प्लान था कि हमने सवेरे के टाइम पे आना था मॉर्निंग मॉर्निंग में, लेकिन हम फिर अभी आगे और सामान ले लिया हम लोगों ने। बस अभी आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं और आंटी मेरे को कह रही है मेरे को मत निकालो वीडियो में, तो फिर कुछ झाड़ू से फोटो नहीं देता। तो अभी मैंने ये वाला आइसक्रीम ली है और कैब बुक करके अब सीधा घर जाते हैं हम। आर के आज का आर के हम फिर डी मार्ट। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं दूसरे दिन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल मैं ना फिर मेरा मन ही नहीं किया, वहाँ से बहुत ज्यादा थक गए थे और अंदर तो पता भी नहीं चलता कि कब मतलब सामान लेते ले, टाइम का पता भी नहीं चलता, तो बहुत ज्यादा मतलब थक गई थी। तो मैंने सोचा छोड़ो अब रह लेती हूँ ब्लॉग, कल सवेरे कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने आपको सामान दिखाना था मैं क्या क्या लेके हूँ। वैसे तो हमारे घर की मंथली राशन वहीं से बीमार से ही आती है, लेकिन पता क्या था सीन, मंथली राशन तो आ गई थी लेकिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे चलेगी, मैं कहा चलो उसका भी ये हो जाएगा कि उसके साथ भी कोई हो जाएगा कंपनी देने के लिए और थोड़ा सा मेरा टाइम पास हो जाएगा। बहुत टाइम से घर में बोर की थी तो ऐसे दिमाग ऐसा हो रखा था, पजल बन रखा था, तो अब बिल्कुल सॉल्व हो गया पजल, ऐसा हो गया फ्रेंड के साथ थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए है ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या सामान लेके आई, ना चाहते हुए कितना सामान ले आई मैं, लेकिन हाँ सारी यूजफुल चीजें लेके आई। सबसे पहले पेन लेके आई हूँ, ये देखो यहाँ से गलती से टूट गया, मेरे से टूट गया, नीचे गिरा ये और टूट गया, बट ये जुड़ जाएगा, जुड़ने वाला है मतलब जुड़ जाएगा ऐसे करके, जब जुड़ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगी ठीक है कि मैंने जोड़ दिया इसको ऐसे जुड़ जाएगा ये। तो ये वाला पेन था नहीं हमारे पास तो इसलिए एक ही लेके आई। और मम्मी ने मैं इडली मेकर मंगा रखा था यार, मुझे मतलब ऐसा तो ध्यान था कैसा होता है, लेकिन मुझे लगा इसमें भी बन जाएंगे, इसमें मुझे इडली जैसा सांचे से दिखे तो मेरे को लगा शायद इसमें भी इडली बन जाएगी, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं जो आप काम करते हैं, उन्होंने बताया भी नहीं कि नहीं इडली के लिए नहीं होता है। तो बाकी मैंने इसको सर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला इसमें उत्तम वगैरह बनता है कुछ, लेकिन हाँ अभी मैं ट्राई करूंगी क्या पता इसमें इडली बन जाए, और क्या क्या बन सकता है इसमें मुझे कमेंट करके बताना ठीक है। बाकी मैंने इडली मेकर मंगवाना है अभी, क्योंकि अभी मेरे बच्चे के लिए जरूरी ना सूजी का बना बना के कुछ ना कुछ बना के खिलाते रहेंगे, नॉर्मल डेली सूजी नहीं खा पाता, तो मेरी सूजी नहीं खा पाता है तो कभी कुछ बना के कभी कुछ बना के खिलाया करेंगे। साथ में मैं लिया शानी की डायपर, ये ऑफर में थे फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँ, वरना मैं यही यूज़ करती हूँ, मैंने पोको पाई वही यूज़ करती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ये लेके आई। एक बार उन्होंने चेंज किया था बीच में इसके डायपर चेंज किए थे, तो इसका क्या हुआ था रैशेज से हो गए थे। देखती हूँ ये अगर यूजफुल रहेंगे तो ये मैं और मंगवा लूंगी, वरना अभी सिर्फ मैं ट्राई करने के लिए लेके आई। ये भी मैंने एक ही लेके आना था, बाय वन गेट वन में था इसलिए दो ले आई मैं इसको। साथ में ये गुड़ लेके आई हूँ मैं, ये भी मुझे बाय वन गेट वन पड़ा, 65 का है ये, तो वैसे 65 का एक है तो ये ऐसे मुझे 65 में दो पड़े, मतलब ये बाय वन गेट वन में थी ये मैंने ले लिया। बाकी ये पैंपर्स वगैरह क्या बोलते हैं ये सारा लेके आई, ये ऑफर के ही हैं सारे। उसके बाद एक ही लेके आई मैं वाइप्स लेके आई, किचन के वाइप्स खत्म हो गए थे हमारे तो एक ही लेके आई मैं। साथ में लेके आई हूँ टॉफियों के पैकेट, और ये बाय वन गेट वन में ही, बाय वन गेट वन में ही थे ये, दो दो लेके आए ये भी। तो ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर में ट्यूशन वाले बच्चे वगैरह आते रहते हैं, तो कई बार उनके नंबर वगैरह जैसे अच्छे आ गए तो सुनो उनको देती है, और साथ में जैसे छोटे बच्चे आते रहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी मतलब यूजफुल हो जाता है ये। तो उसके बाद लेके आई मैं ये बिंगो, इसका एक चिप्स और था, ऐसे 50 रुपीज़ का एक है, लेकिन मैं 50 रुपीज़ में दो लेके आई, ये भी कॉम्बो में थे तो मैं दो ले आई, बाय वन गेट वन था ये इसका। और लेके आई मैं ये ओरियो, ये वैसे असली ओरियो तो नहीं है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता पड़ा मेरे को, असली ओरियो का पैकेट तो ब्लू कलर का होता है ना, लेकिन ये कुछ और है, जम्बो पैक है कुछ ट्रीट है इसका नाम। तो ये मैं बाय वन गेट वन में लेके आई हूँ, ये मेरे को पड़ा ए हाँ
100 के मतलब ऐसे एक एक पैकेट थे, लेकिन ये मुझे 100 के दो पड़े, मतलब 50-50 के पड़े, और काफी बड़े पैकेट है 50 के, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है जो एक के साथ एक फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद ये है पतंजलि बिस्किट, हमारे घर में अक्सर ज्यादा यही खाते हैं। लक्की हो गया, मेरा भाई हो गया, सवेरे सवेरे उसको दूध के साथ बिस्किट चाहिए होता है, तो वो यही वाला बिस्किट खाता है पतंजलि। ये उसका बिस्किट आ गया। ये आया एक रस का पैकेट, ये ससुर जी के लिए सवेरे सवेरे चाय के लिए, तो एक रस का पैकेट ले गए पापा के लिए। बाकी मैं हैंड वॉश लेके आती हूँ, जब भी हमारे घर में डब्बे वगैरह पड़े होते हैं, मैं कैंटीन से सामान ले आती हूँ ना, तो फिर उसके लिए मैं ये वाले हैंड वॉश ले आती हूँ। ये पूरा वैसे आपको भी लेके आना चाहिए, 10 रुपये का पड़ता है वहाँ, तो हमें 6-7-8 रुपये का पड़ा होगा हमें, लेकिन काफ़ी यूजफुल रहता है ना, जैसे एक बार डाल दो तो एक महीने तक चल जाता है आराम से। तो चार ही लेके आई, दो लेके आई मैं डोसा, क्योंकि मैं डोसे वाला वो लेके आ गई थी ना तवा, तो मैंने सोचा ये डोसा का ये ले जाती हूँ, तो क्या पता हम घर में जाके डोसा बनाए, लेकिन कहाँ डोसा टाइम नहीं मिला था, तो आप बनाएंगे कभी फ्री होके, जब मन करेगा खाने का उस टाइम पे बनाएंगे। और बाकी ये कुछ जूस की बोतल है, मैं ससुर जी के लिए लेके आई हूँ, पापा जी के लिए, और ये मैं पूरा डब्बा ही लेके आई हूँ, पूरा जो होता है ना पैक पूरा ही लेके आई हूँ, ये तो यहाँ पे निकाल के रख दिया था ना सामान, तो अभी मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे सामान दिखाना भी था, तो मम्मी कहती है दिखा दे, तो ये जो डब्बे है ना, ये वाले डब्बे मैं पूरा पैक लेके आई हूँ, क्योंकि बीच में मैंने वो वाला जूस देना स्टार्ट किया था पापा को, फ्रेश जूस दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं ये हैवी हो रही है अभी, तो डॉक्टर ने भी वैसे फ्रेश जूस देने को मना ही कर रखा है, तो अभी एक महीने तक ये वाला जूस पियेंगे, तो मैंने कहा चलिए ले जाती हूँ, काम तो आता रहेगा, वहाँ हमें पड़ता है ये, जैसे कि 140 का होता है ना, तो वहाँ पे हमें पड़ता होगा ये 80 का पड़ता है, तो उसमें मैं पूरा डब्बा ही ले आई थी। और नेक्स्ट लेके आई मैं जूसर की, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना आजकल जैसे फल वगैरह सस्ते हो, इसलिए जूसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और कब से सोच भी रहे थे जूसर लेने का, फिर मुझे पसंद आया, मैंने कहा ले लिया तो ले लिया, नहीं तो ऐसे ही रह जाता हमेशा, तो इसको मैं ससुराल के भी लेके आई, मतलब क्या पता मैं ससुराल ले जाऊँ इसको, अगर यूज़ नहीं हाँ यूज़फुल रहा तो यही रखूँगी, वरना मैं ससुराल का दूसरा ले आऊँगी बाद में, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी एक लेके आई मैं दूध की बोतल, और ये वैसे हमें 100 रुपीज़ की पड़ती है, लेकिन वहाँ पर हमें 70 रुपीज़ की पड़ती है, तो या ये 70 रुपीज़ की पड़ी मुझे वहाँ, तो ये सामान लेके आई मैं, इतना सामान लेके आई, मतलब गई थी कि कुछ नहीं लेके आना, लेकिन फिर भी इतना सामान ले आई, और ये सारा सामान मुझे पड़ा कितने का, 4000 कुछ का पड़ा, लेकिन फिर भी काफ़ी डिस्काउंट मिला इस पर, लगभग 2000 तक का डिस्काउंट मिला होगा, क्योंकि बाय वन गेट वन चल रहा था हर चीज़ में। तो चलो इस ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नितिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक बाय।